हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा। आज मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं ये क्या क्या चीज़ ली हूँ। ये मैं कटहल ली हूँ, मैं ये साबुत कटहल लेके आई थी, इसको मैं घर में ही छिल के काटी हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कलर इसका चेंज लग रहा है। और मैं एक आलू ली हूँ जिसको मैं बड़े बड़े पीसेज में काट ली हूँ। और ये टेस्ट के हिसाब से नमक, एक चम्मच जीरा ली हूँ छोटे चम्मच, और एक तेजपत्ते को मैंने ये तोड़ लिया है छोटे छोटे पीसेज में। ये 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ मैं यहाँ पे। और ये 1 टमाटर ली हूँ जिसको मैं काट ली हूँ। और ये लहसुन, 10 लहसुन की कलियाँ है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 2 मैं ग्रीन हरी मिर्च ली हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला, ये धनिया पत्ता जिसको मैं बारीक काट ली हूँ, और ये प्याज ली हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्याज ली हूँ। सब्ज़ी में ज़्यादा प्याज डालते हैं तो अच्छा बनता है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े प्याज ली हूँ। तो ये मैं पैन रखी हूँ गर्म होने के लिए, पैन गर्म हो गया है। अभी मैं सरसों तेल डाल रही हूँ इस पैन में, और मैं यहाँ पर सरसों तेल यूज़ करूँगी। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तेल गरम हो गया है, अभी मैं कटहल को फ्राई कर लूँगी, कटहल आलू दोनों को। आधे चम्मच में हल्दी पाउडर डाली हुई इसमें फ्राई होने के लिए, इसका कलर अच्छा आएगा। इसको मैं धीरे से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी तेल में। कटहल को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई की हूँ, और ये फ्राई हो गया है। अभी मैं देखो इसको निकाल ली हूँ। ये देखिए ऐसे फ्राई करना है इसको, कटहल को। ये देखिए कितना अच्छा इसका अब कलर हो गया है। और सेम पैन में मैं फिर से तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अभी मैं जीरा ऐड कर रही हूँ, तेज पत्ता। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अभी मैं ये लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा दरदरा बना ली हूँ। ये देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, 1 मिनट के लिए बस भूनना है यहाँ पे। बस 1 मिनट हो गया है, अभी मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। और प्याज को मैं, जब तक सॉफ्ट होगा प्याज, कलर थोड़ा सा चेंज होगा, तब तक मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, सूखे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी भी डाली हुई है यहाँ पे। सभी को मिक्स कर लूँगी, इसको अच्छे से चलाते हुए मैं भून लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। जितना अच्छे से भूनते हैं उतना अच्छा टेस्ट आती है सब्ज़ी के। ये देखिए हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अभी मैं इस कुकर में इसको सारे मसाले और ये कटहल को जो मैं भून के रखी थी उसको मैं सारे डाल दी हूँ ये कुकर में। अभी मैं इसका 1 सीटी लगा लूँगी। जितना हमारा सब्जी है उसके हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। तो थोड़ा जितना सब्जी है उसको थोड़ा सा ऊपर तक मैं पानी डालूँगी यहाँ पे, और अगर बाद में ज़्यादा बच जाए तो मैं थोड़ा सा जला दूँगी पानी को, लेकिन सब्जी नहीं जलना चाहिए इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही देती हूँ। ये देखिए मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। अभी 1.5 चम्मच मैं नमक ऐड की हूँ यहाँ पे। सभी को मैं फिर से मिला देती हूँ अच्छे से। मैं गरम मसाला डाल रही हूँ अभी, धनिया पत्ता। ये भी थोड़ा सब्जी के साथ बॉयल हो जाता है ना तो अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैं सभी को एक बार में ही डाल दी यहाँ पे। अब एक बार देखना है इसे ट्राई करके। ये देखिए मैं इसको बंद कर दी हूँ 1 सीटी लगने तक। ये देखिए 1 सीटी हो गया है, और हमारा सब्जी भी बनके तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना प्लीज़, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जला दूँगी पानी को, और नहीं तो आपको इतना ग्रेवी अगर चाहिए तो रख सकते हैं। तो मुझे इतना ग्रेवी चाहिए तो मैं इसीलिए इतना पानी डाली थी। ये देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।